एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक पढ़वाने वाला हूँ भाई। ठीक हो गया? वो टॉपिक रहेगा एराइल हैलाइड्स का मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है भाई, याद रखना मैंने आपको तीन चीजें बता दी हैं। क्या बताया था? सबसे पहले एराइल हैलाइड की तीन प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या था भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। क्या था भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड विद मेटल। क्या है भाई? रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड विद मेटल। तो दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया भाई? अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड विद मेटल्स। ठीक हो गया? इनकी रिएक्शन मेटल के साथ कैसे होती है ये हम डिस्कस करेंगे भाई। ठीक हो गया? तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? वुड्स फिटिंग रिएक्शन की, वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। नेम रिएक्शन है तो याद रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक हो गया? वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती क्या है याद रखना, वुड्स का मतलब एल्किल हैलाइड और फिटिंग जो होती है वो कहां से आता है? एराइल हैलाइड से। तो आपके पास एक एराइल हैलाइड होगा। क्या होगा भाई? एराइल हैलाइड। ठीक है, लेट अस सपोज क्लोरोबेंजीन ले लेता हूं, प्लस तुम्हारे पास क्या होगा? सोडियम होगा। मैंने दो सोडियम ले लिए हैं, तुम्हें पता है वुड्स फिटिंग में भी दो सोडियम होता है। ठीक हो गया? और एक क्या ले लिया? एक ले लिया एल्किल हैलाइड। ठीक हो गया? ये वाला तो क्या बना याद रखना, क्या होगा भाई? देखो देखो, ये जो सीएल है, ये दो एनए है और ये सीएल है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। और क्या फॉर्म करेंगे भाई? क्या फॉर्म करेंगे? देखो, ये बनाएंगे तुम्हारा टॉलुइन, टॉलुइन, ये वाला टॉलुइन CH3। ठीक हो गया? और याद रखना ट्वाइस NaCl बाहर हो जाएगा। देखो भाई, जो याद रखना वुड्स वाला कॉन्सेप्ट आया वो तुम्हारा आया है एल्किल हैलाइड से। ठीक हो गया? और जो फिटिक वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट आया है वो आया है एराइल हैलाइड से। ठीक हो गया? इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। ठीक हो गया? अगर मैं इसकी किसकी बात करूं, मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म की। ठीक हो गया? आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी मैकेनिज्म करा चुका हूं वुड्स की, तो उससे देख करके आप आराम से कर लेंगे। ठीक हो गया? यहां पे सोडियम है। देखो भाई क्या होगा, तुम्हारे पास ये क्या रहेगा? एराइल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा भाई? एराइल हैलाइड Cl। ठीक हो गया? और तुम्हारे पास क्या है? सोडियम Na। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8 और 1, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया? तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ठीक हो गया? लेकिन लेकिन डोनेट करने से पहले मुझे पता है यहां पे कार्बन है और यहां पे Cl है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड टूट करके यहां चले जाएगा और ये Na जो है उसको क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया भाई। ठीक हो गया? तो ये क्या बन गया? ये बन गया इस तरह से फिनाइल रेडिकल, फिनाइल रेडिकल इस तरह से। ठीक हो गया? ये वाला प्लस क्या बन गया? एन ए पे प्लस आएगा और सी एल माइनस, यानी कि NaCl बन गया ऑलरेडी। ठीक हो गया? देखो भाई, जो दूसरा स्टेप है वो मेरे पास है। देखो भाई, यहां पे है Cl और ये है CH3, ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है। प्लस इसकी रिएक्शन किससे होगी? Na से, क्योंकि दो सोडियम लिए हैं। सिमिलरली याद रखना, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ को टूटेगा और ये Na एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक हो गया? Na का काम क्या है? ये वन इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक हो गया? तो क्या बनेगा? CH3 रेडिकल बन गया ये वाला, प्लस क्या बन गया? NaCl बन गया। ठीक है? और याद रखना, ये तो फर्स्ट स्टेप था, ये वाला तुम्हारा सेकेंड स्टेप है। देखो भाई, जो थर्ड स्टेप है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? कंबाइन कर जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या था? ये तुम्हारे पास है फिनाइल का रेडिकल, फिनाइल रेडिकल, और ये तुम्हारे पास क्या है?
CH3 का रेडिकल, ठीक हो गया। यह आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और कंबाइन होकर के इन्होंने क्या बना दिया, कंबाइन होकर के इन्होंने बना दिया तुम्हारे पास टॉलुइन, टॉलुइन ये वाला बना दिया, ठीक हो गया। तो ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक हो गया। तो इस रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास इस रिएक्शन में था एक एराइल हैलाइड और एक एल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया। तुमने उसकी रिएक्शन मेटल से की और तुम्हें क्या मिला, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव मिल गया, ठीक हो गया, बेंजीन का डेरिवेटिव जनरेट हुआ। तो इस रिएक्शन को क्या बोला है, इसको बोला है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। देखो भाई, अब हम डिस्कस करेंगे फिटिंग रिएक्शन, क्या डिस्कस करेंगे, फिटिंग रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ठीक हो गया। फिटिंग रिएक्शन इसमें क्या होता है, इसमें देखो भाई, यहां पे आपके पास दो दो क्या होंगे, एराइल हैलाइड होंगे, क्या होंगे भाई, दो एराइल हैलाइड होंगे। लेट अस सपोज मेरे पास क्लोरोबेंजीन यहां पे है और एक दूसरा क्लोरोबेंजीन भी है, ये वाला दो क्लोरोबेंजीन है मेरे पास, ठीक हो गया, सीएल, और इसे लेना है ट्वाइस एनए की प्रेजेंस में, ठीक हो गया। देखो भाई, इसके ऊपर से मुझे पता है यहां पे क्या होगा, ड्राई ईथर होगा, ठीक हो गया। याद रखना, पिछले वाले में नहीं लिखा था, मुझे पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वुड्स की कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो वुड्स हो, चाहे वुड्स फिटिंग हो, चाहे फिटिंग रिएक्शन हो भाई, ठीक हो गया, हमेशा ड्राई ईथर यूज होगा, ड्राई ईथर यूज होगा। तो देखो भाई, आगे क्या होगा, इसमें ये जो सीएल है, ये जो एनए है और ये वाला सीएल, आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक हो गया। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा बाईफिनाइल, क्या बनेगा भाई, बाईफिनाइल। देखो भाई, प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा बाईफिनाइल, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया बाईफिनाइल, ठीक हो गया भाई। या इसको क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल या बाईफिनाइल, मैं इसको बोल देता हूं बाईफिनाइल, बाईफिनाइल, ठीक हो गया। तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई भाई, ये तुम्हारी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। देखो, इसकी मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, आप लोगों के लिए लिखवा देता हूं ताकि कुछ चीज छूट ना पाए भाई, ठीक हो गया, कुछ चीज हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सिमिलरली देखो, यहां पे क्या है, एनए है और तुम्हारे पास क्या है, दो एराइल हैलाइड है, दो एराइल हैलाइड है, सीएल। ये एनए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, याद रखना, 2, 8 और 1, ये जो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है उसको मैं दिखा रहा हूं यहां पे भाई, ठीक हो गया। देखो भाई, ये सीएल बॉन्ड टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वजह से, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर देगा इस कार्बन को, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिनाइल रेडिकल बन गया, फिनाइल रेडिकल बन गया भाई, ठीक हो गया। सिमिलरली भाई, जो दूसरा एराइल हैलाइड है वो भी फिनाइल रेडिकल जनरेट करेगा सिमिलर वे में, ये गया बॉन्ड टूट गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको दे दिया भाई, ठीक हो गया। तो ये क्या बन गया, ये भी फिनाइल रेडिकल बन गया, फिनाइल रेडिकल बन गया, ठीक हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो मैं इसे टिल्ट करके बना देता हूं, यू करके, एक रेडिकल ये है और दूसरा वाला फिनाइल रेडिकल क्या है, ये है भाई, और ये आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए भाई, कंबाइन होके इन्होंने बना दिया बाईफिनाइल, क्या बना दिया भाई, बाईफिनाइल, इस तरह से बाईफिनाइल बना दिया, ठीक है। और यहां पे साइड प्रोडक्ट मुझे पता है, एनएसीएल यहां भी निकलेगा और एनएसीएल यहां भी निकलेगा भाई, ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से एराइल हैलाइड है वो क्या करता है, एराइल हैलाइड क्या करता है, मेटल से, मेटल मतलब सोडियम, यहाँ पे तो सोडियम है भाई उस मेटल का नाम, ठीक हो गया। तो सोडियम से रिएक्शन करा के किस किस टाइप की रिएक्शन देता है भाई, ठीक हो गया। एक बार मैं जो सारा पढ़ा रखा है उसका ओवरव्यू दे देता हूं। देखो भाई, वुड्स रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं, वुड्स रिएक्शन से स्टार्ट करता हूं, वुड्स रिएक्शन, ठीक हो गया, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था, दो एल्काइल हैलाइड थे, CH3Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस क्या आ जाएगा, ClCH3, ठीक हो गया। और ये आपस में क्या करते हैं भाई, ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में हाइड्रोकार्बन जनरेट करते हैं, ये चीजें बाहर निकल गई, ठीक हो गया। और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस
ट्वाइस एनएसीएल बाहर, ठीक हो गया भाई। और ये रिएक्शन होगी ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में, ठीक हो गया। देखो भाई जो दूसरी रिएक्शन आती है वो आती है वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है एराइल हैलाइड, एक होता है एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल हैलाइड, और दूसरा क्या होता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया। और दो सोडियम होते हैं, सिमिलर रिएक्शन होती है भाई, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है ड्राई ईथर, डीई लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अगर मैकेनिज्म के समय अगर मैंने डीई ना लिखा हो तो वहां पे डीई पक्का लिख लेना भाई, ठीक हो गया। तो ये सी एल एन ए और ये सी एल क्या हो गया, बाहर चले गया। और याद रखना प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा ये टॉलुइन, टॉलुइन, ठीक हो गया। और क्या बना, ट्वाइस एन ए सी एल बाहर हो गया भाई, ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं वुड्स का मतलब यहां एल्काइल हैलाइड से आया है और फिटिंग का मतलब इस एराइल हैलाइड से आया है। और इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन पढ़ाई थी वो थी फिटिंग रिएक्शन, क्या थी भाई, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या था, दोनों आपके पास एराइल हैलाइड थे, क्या थे, दोनों आपके पास क्या थे भाई, एराइल हैलाइड थे। एक एराइल हैलाइड में ये ले लेता हूं और एक एराइल हैलाइड में यही वाला सेम ले लेता हूं, इस टाइप से दो एराइल हैलाइड थे, ठीक हो गया। इसने सोडियम के साथ रिएक्शन किया ट्वाइस एन ए, और किसकी प्रेजेंस में, डीई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक हो गया। और क्या बना फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा, ये बन गया बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, कुछ भी बोल सकते हैं, ये डाईफिनाइल बन गया भाई, ठीक हो गया। क्या बना, डाईफिनाइल। तो इस तरह से मैंने पढ़ा कि किस तरह से एराइल हैलाइड, याद रखना, मेटल के साथ रिएक्शन करता है भाई, ठीक हो गया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।